अरे वे प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है जब हम कोई कंपटीशन स्टेज पे चढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है एक दो महीने पहले कंपटीशन से पहले हमारा जो प्रोटीन होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक तो ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में उसके न्यूट्रिशन फैक्ट, उसका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा मायने करता है। तो आपको श्रेडिंग के टाइम या कॉम्पिटिशन खेलने से पहले या मॉडलिंग के स्टेज पर चढ़ने से पहले कैसा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन चूज़ करना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो एंड तक देखनी है, बगैर स्किप किए हुए इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दूंगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आए फटाफट आपको मिल जाए, आप देख सकें। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम आइसो प्योर का, जो जीरो कार्ब है, आइसोलेट प्रोटीन है ये, वे प्रोटीन आइसोलेट है। बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है और बहुत ज़्यादा लड़के यूज़ करते हैं कॉम्पिटिशन के टाइम में, तो यही ज़्यादा चलता है आजकल जो है। ये इसका ट्रेंड बहुत पहले से है पर अभी तक लोग इसको यूज़ करते हैं, अभी तक जो कॉम्पिटिशन खेलते हैं श्रेडिंग के टाइम इसी को यूज़ करना पसंद करते हैं। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। तो 3 पाउंड की जो इसकी पैकिंग मिल रही है वो आपको जो है क्या क्या दे रही है मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्यों इतना ज़्यादा हाइप है इसका। ज़ीरो कार्ब है जैसे कि आप समझ चुके हो, पर 3 पाउंड में आपको जो है 42 स्कूप्स मिल रहे हैं, 42 इसकी सर्विंग्स मिल रही हैं, जिसमें 32 ग्राम का एक स्कूप अगर कहें तो 32 ग्राम के एक स्कूप में आपको 25 ग्राम जो है प्रोटीन ही मिल रहा है। तो प्रोटीन कंटेंट तो जैसे वे प्रोटीन आइसोलेट है, नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोटीन ही ज़्यादा होगा वहाँ पे। और जो है यह ऑलमोस्ट जो है 110 कैलोरीज आपको दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है ये मसल बिल्डिंग के साथ साथ। मसल बिल्डिंग तो खैर उस टाइम पे मसल बिल्डिंग पे इतना ध्यान नहीं होता जितना श्रेडिंग पे हमारा ध्यान होता है, जानते हैं ऑफ कोर्स, है ना। जब हम बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ने वाले हैं हमारा ज़्यादा ध्यान श्रेडिंग पे होता है और दूसरा जो ध्यान होता है वो होता है मसल वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। आइसो प्योर की बात कर रहा हूँ, ज़ीरो कार्ब की, यहाँ पे आपको 32 ग्राम के एक स्कूप में 110 कैलोरीज मिल रही हैं। ठीक है, कैलोरीज कम है और प्रोटीन जो है वो 25 ग्राम मिल रहा है और जो फैट है वो आपको मिल रहा है 0.5 ग्राम। तो फैट तो ना के बराबर ही है, प्रोटीन बढ़िया है, कार्ब ज़ीरो हैं। हाँ, इसकी जो मेन चीज़ें मैं बात करूँ, सोडियम भी आपको ये दे रहा है। आप जानते हैं इनके रोल क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे कैसे बेनिफिट मिलते हैं, इवन कैलोरी डेफिसिट में भी जो है थोड़ा सोडियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेहतर रहता है। उसके बाद विटामिन्स वगैरह, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कैलोरी डेफिसिट में हमें जो है विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह हमारी बॉडी में डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है उस मामले में क्योंकि ये हमें विटामिन्स और मिनरल्स जो एसेंशियल है, जो ज़रूरी हैं, बॉडी नहीं मतलब कि हमें डाइट से लेना पड़ता है, वो हमें इस सप्लीमेंट से मिल जाएगा। क्योंकि उस टाइम तो हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं खा सकते, सॉल्ट वगैरह नहीं लेते अलग से, या हम सॉल्ट अपना ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जो सॉल्ट मिले वो बस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें बेनिफिट दे, इतना ही हमारा एम होता है। तो यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो मैं पूरा तो नहीं कहूँगा पर विटामिन बी भी बहुत ज़्यादा, विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स के जो कंटेंट है वो मिलता है यहाँ पे। विटामिन सी, विटामिन के, ये सारे इसके अंदर मौजूद है। आयोडीन और जो मैंने बात की है सोडियम वगैरह, ये सारे इसके अंदर मौजूद है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मल्टी विटामिन की ज़रूरत भी ना पड़े, ऐसा ये प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मैंने बहुत बार यूज़ किया और सिंपल सी चीज़ है भाई, जो ये कॉम्पिटिशन फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है वो तो उसका हाइप तभी ज़्यादा बनता है जब उसके रिजल्ट बढ़िया हो। आप भी ये जानते हैं आइसो प्योर कोई ऐसा नाम नहीं है कि किसी ने सुना ना हो, और ये तभी ज़्यादा याद आता है जब स्टेज पे हम चढ़ने वाले होते हैं, है ना। ऐसे इसको नॉर्मल में कोई यूज़ नहीं करता, एक तो महंगा है ना, और हमें थोड़ा कार्ब भी चाहिए होता मसल बिल्डिंग के दौरान। तो वहाँ पे वे प्रोटीन आइसोलेट वो काम नहीं कर पाता जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म जो कर सकती है। तो बढ़िया प्रोडक्ट है अगर आपको श्रेडिंग करनी है और साथ में आपकी साइकिल वगैरह चल रही है। एक चीज़ मैं फिर बता दूं यहाँ पे, जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, तो आइसो प्योर अगर नहीं लेना चाहते तो उसका एक मैं सलूशन बताता हूँ आपको, ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं पूरा दिन और आपके पास बजट नहीं है तो वहाँ पर आपके पास वे प्रोटीन ज़रूरी नहीं है लेना। ये मैं मेनली बात कर रहा हूँ जब आप कॉम्पिटिशन खेलने वाले हैं, कॉम्पिटिशन के टाइम इवन हम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी ना यूज़ करें। आइसोलेट तो चलो बढ़िया रहता है पर अगर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर रहे हैं, तो भाई वो भी बढ़िया नहीं है। वो भी मैं अगर एक सिमिली सी देता हूँ, देखो एग्जैक्टली इसको मतलब एक मेरा पॉइंट देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस टाइम वो भी एक मास गेनर की तरह काम करने लग पड़ते हैं। अब इसको एग्जैक्टली लिटरल वर्ड मत लेना मेरे, नहीं तो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, पर मेरा कहने का मतलब है उस टाइम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ठीक नहीं रहता। अगर आपके पास पैसे नहीं है वे प्रोटीन आइसोलेट के, आइसो प्योर के पैसे नहीं है, तो आप, मैं वहाँ पे कहूँगा आप लो ही मत,
वे प्रोटीन यूज ही मत करो वहाँ पे, सीरियसली ये फैक्ट है। बिना उसके भी बढ़िया डाइट, डाइट में कैसे प्रोटीन मैनेज करना है, फाइबर वगैरह कैसे रहते हैं वहाँ पे, कैलोरी डेफिसिट कैसे जाते हो आप, कार्ब को धीरे धीरे डिप्लीट करते हो, ये अलग स्टोरी है। और इसी पे ज़्यादा फोकस करते हुए अगर आप वे प्रोटीन नहीं भी लें उस टाइम, अगर आपके पास पैसे नहीं है, उस केस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे चल जाता है, श्रेडिंग के रिजल्ट आपको मिलते हैं, मसल कहीं ब्रेक डाउन नहीं होता जब आपका प्रोटीन कंटेंट आपका डेली रिक्वायरमेंट का फुलफिल हो रहा हो। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, पैसे नहीं है तो कोई वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम में, और अगर पैसे हैं तो आइसो प्योर बहुत बढ़िया आपकी चॉइस होगी। थोड़े से पैसे अगर इकट्ठे कर सकते तो आइसो प्योर को अपना ऑप्शन लेना, फर्स्ट ऑप्शन वो लेना। और भी प्रोडक्ट हैं, और भी आइसोलेट वे प्रोटीन जो है कंपनी अलग अलग बनाती है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स बनाती हैं, पर आइसो प्योर ने बहुत बड़ा अपना नाम बनाया है मेनली कॉम्पिटिशन रेडी करने के लिए। ठीक है, तो यही मेरा वीडियो था आज का। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।